हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास वन के बच्चों के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट में माउस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वर्कशीट शेयर करने जा रही इन टॉपिक्स को बच्चों बच्चों को को स्कूल्स में पढ़ाया जाता है तो तो अगर आप अपने माउस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें वीडियो अगर आपको अच्छा लगे बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन टेक द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बच्चों को माउस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को बच्चों को पढ़ना है और जो करेक्ट आंसर है उसे टिक करते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करना है जैसे यहाँ पे पहला है व्हेन वी से डबल क्लिक व्हाट पार्ट ऑफ द माउस विल यू क्लिक जब हम डबल क्लिक के बारे में बात करते हैं तो हम माउस के किस पार्ट को क्लिक करते हैं पहला ऑप्शन है लेफ्ट क्लिक सेकेंड ऑप्शन राइट क्लिक एंड थर्ड ऑप्शन व्हील तो इसका सही आंसर क्या होगा लेफ्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक से ही हम डबल टाइम माउस पे क्लिक करते हैं सो करेक्ट आंसर इज लेफ्ट क्लिक सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन वट डू यू यूज टू पुट अ कंप्यूटर माउस ऑन हम क्या यूज करते हैं कंप्यूटर के माउस को रखने के लिए पहला ऑप्शन है माउस पैड सेकेंड ऑप्शन गेम पैड थर्ड ऑप्शन की पैड तो जो माउस होता है उस, उसको जिस पे हम रखते हैं उसे हम कहते हैं माउस पैड यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन उसी तरह से नेक्स्ट है वॉट इज बिटवीन द टू बटन ऑफ माउस माउस के दो बटन के बीच में क्या होता है उसे हम क्या कहते हैं ऑप्शन वन सीपीयू ऑप्शन टू स्क्रॉल व्हील ऑप्शन थ्री कीबोर्ड तो जो माउस के दो बटन के बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं स्क्रॉल व्हील यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन द वायर ऑफ द माउस इज कनेक्टेड टू द डैश जो वायर होता है माउस का वो किससे कनेक्टेड होता है पहला ऑप्शन है प्रिंटर सेकंड ऑप्शन मॉनिटर एंड थर्ड ऑप्शन सीपीयू तो इसका सही आंसर होगा सीपीयू थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन अ माउस विदाउट वायर इज कॉल्ड जो माउस विदाउट वायर हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं ऑप्शन वन वायरलेस माउस ऑप्शन टू वायर्ड माउस ऑप्शन थ्री माउस सो जो माउस विदाउट वायर हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं वायरलेस माउस ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन तो इस तरह से बच्चों को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड बना के दे सकते हैं माउस टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह से बच्चों को क्लासेस में भी प्रैक्टिस करवाई जाती नेक्स्ट क्वेश्चन यूजिंग हिंट बॉक्स पे बच्चों को बॉक्सेस में कुछ वर्ड दिए गए हैं इन बॉक्सेस की मदद से बच्चों को ब्लैंक्स को फिल करना है जैसे यहाँ पे पहला है so तो यहां पे लिखना है स्मॉल सेम वे नेक्स्ट है अ अ माउस हैज डैश दैट इज टू द सीपीयू तो माउस के पास क्या होता है जो कि सीपीयू से फिक्स होता है सो माउस हैव अ वायर वायर विच इज फिक्स विद द सीपीयू सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेसिंग द माउस बटन वंस इज कॉल्ड डैश माउस के बटन को एक बार जब हम प्रेस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं क्लिकिंग तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्लिकिंग उसी तरह से नेक्स्ट है डैश इज प्लेस्ड बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट बटन ऑफ अ माउस माउस के लेफ्ट और राइट right बटन के बीच में किसे प्लेस किया जाता है उसे हम कहते हैं स्क्रॉल व्हील तो यहाँ आंसर हो जाएगा स्क्रॉल व्हील उसी तरह से नेक्स्ट है टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट वी मस्ट क्लिक द डैश ऑफ द माउस जब भी हम कंप्यूटर पे किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो माउस के किस बटन को हम क्लिक करते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं लेफ्ट बटन तो यहाँ आंसर हो जाएगा लेफ्ट बटन सेम वे नेक्स्ट है द माउस इज यूज टू डैश ऑब्जेक्ट माउस का यूज हम क्या करने के लिए यूज करते हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम सेलेक्ट करते हैं माउस से सो so आंसर हो जाएगा सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट सो यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट सेम वे नेक्स्ट है द माउस मूव्स द डैश ऑन द स्क्रीन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट द माउस मूव्स द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन उसी तरह से नेक्स्ट है मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड डैश स्क्रीन पे जब ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं ड्रैगिंग तो यहाँ आंसर हो जाएगा ड्रैगिंग सो so, इस तरह से बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स वे में आप आसानी से बच्चों को माउस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं ये इज द नेक्स क्वेश्चन लेबल द कंप्यूटर माउस बिलो यूज द वर्ड फ्राम द वर्ड बैंक यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर माउस ड्रॉ करके दिया गया है इसे बच्चों को लेबल करना है यूजिंग द वर्ड बैंक जो यहाँ पे वर्ड दिए हैं उसकी हेल्प से तो जैसे कि यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें बच्चों को जैसे ये पहला जो है ये है एक केबल वायर तो यहाँ पे देखिए वर्ड बैंक में ऑलरेडी दिया है बच्चों को यहाँ लिखना है केबल वायर नाउ वॉट इज दिस इन दिस कंप्यूटर माउस दिस इज कॉल्ड एज अ राइट बटन तो यहाँ पे लिखेंगे राइट right बटन सेम वे इन दिस माउस दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द माउस तो यहां लिखेंगे बॉडी सेम वे दिस इज लेफ्ट बटन एंड सेम वे दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्रॉल व्हील तो यहां लिखना स्क्रॉल व्हील तो इस तरह से आप भी बच्चों को पिक्चर ड्रॉ करके इस तरह से बच्चों को लेबल करने के लिए दे सकते हैं बच्चों को क्लासेस में भी इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है और प्रैक्टिकली भी और बच्चों को ओरली भी पर समझाया जाता है और दिखा के माउस को तो इस तरह से आप दे सकते हैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए सेम वे बच्चे जब इस तरह से कंप्लीट कर लें तो बच्चों को आप इस तरह का एक क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें लिखा है अ कंप्यूटर माउस डज फोर थिंग्स यानी कि कंप्यूटर माउस का यूज किन चार चीज़ों के लिए किया जाता है यानी कि उसके फंक्शंस क्या है तो उसके फंक्शंस क्या है क्लिकिंग Pointing, dragging, and double click. यानी कि हम डबल क्लिक भी करते हैं माउस से तो इसके लिए भी यूज किया जाता है तो इस तरह से बच्चों को आप लिखने के लिए दें और उन्हें समझाएं कि कंप्यूटर माउस का मेन फंक्शंस क्या होता है तो इस तरह से आप बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं इज द नेक्स्ट क्वेश्चन टिक द करेक्ट वे टू होल्ड अ माउस यहाँ पे बच्चों को दो पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं और दोनों ही पिक्चर में पूछा गया है कि हाउ टू होल्ड द माउस यानी कि माउस को होल्ड करने का करेक्ट पिक्चर यानी कि करेक्ट वे कौन सा है तो पिक्चर में बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और जो करेक्ट है उसे टिक करना है जैसे यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये

आंसर हो जाएगा कर्सर उसी तरह से नेक्स्ट है अ माउस इज यूज टू डैश एट द थिंग्स ऑन द स्क्रीन माउस का यूज हम क्या करने के लिए करते हैं स्क्रीन पे हम पॉइंट करते हैं माउस से तो आंसर हो जाएगा पॉइंट सेम वे नेक्स्ट है अ माउस हैज थ्री डैश लाइंस और बटन्स तो आंसर इज थ्री बटन्स तो यहां लिखना है बटन्स सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन द माउस डैश हेल्प अस मूव अप एंड डाउन अ पेज पेज को अप एंड डाउन मूव करने के लिए माउस के किस पार्ट को हम यूज करते हैं पहला है बटन सेकेंड है व्हील तो करेक्ट आंसर क्या होगा व्हील यानी कि स्क्रॉल व्हील की हेल्प से हम किसी भी पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं तो इस तरह से बच्चों को करेक्ट वर्ड को सेलेक्ट करते हुए करेक्ट आंसर को लिखना है ब्लैंक्स में और वर्कशीट को कम्प्लीट करना है ये द नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड ड्रैगेट्स नेम यहाँ पे बच्चों को कुछ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दिए गए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों को पढ़ते हुए करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए फिल करना है, कि पहला है जब हम माउस को पकड़ते हैं, तो लेफ्ट बटन पे जो हमारा फिंगर होता है इंडेक्स फिंगर तो यहां लिखना है इंडेक्स फिंगर सेम वे नेक्स्ट है व्हाट फिंगर इज प्लेस्ड ऑन द राइट माउस बटन जब हम माउस को पकड़ते हैं तो राइट माउस बटन पे कौन से फिंगर को प्लेस किया जाता है उसे हम कहते हैं मिडिल फिंगर तो यहाँ आंसर हो जाएगा मिडिल फिंगर उसी तरह से नेक्स्ट है वे डू वी फिक्स द टेल ऑफ द माउस जो माउस का जो टेल होता है यानी कि जो वायर होता है उसे हम किसके साथ फिक्स करते हैं उसे हम कहते हैं सीपीयू यानी कि सीपीयू के साथ हम वायर को फिक्स करते हैं माउस के उसी तरह से नेक्स्ट है वॉट डू वी कॉल द स्मॉल एरो मूविंग ऑन द मॉनिटर मॉनिटर पे जो स्मॉल एरो मूव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं माउस पॉइंटर यहाँ आंसर हो जाएगा माउस पॉइंटर तो इस तरह से बच्चों को आप इससे रिलेटेड जो माउस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं या कंप्यूटर के पार्ट होते हैं जो माउस से कनेक्टेड होते हैं इस तरह से बच्चों को आप क्वेश्चन देते हुए उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं ही इज द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं बच्चों को क्वेश्चन को पढ़ना है स्टेटमेंट्स को और जो स्टेटमेंट ट्रू है वहाँ पे टी लिखना है और जो स्टेटमेंट गलत है यानी कि फॉल्स है वहाँ पे एफ लिखते हुए वर्कशीट को कम्प्लीट करना है जैसे इसमें पहला है अ कम्प्यूटर माउस हैज अ टेल जो कम्प्यूटर माउस है उसके पास एक टेल होता है क्या ये सही है यानी कि टेल का मतलब यहाँ पे वायर से है तो क्या ये स्टेटमेंट सही है सो येस सो यहाँ पे लिखना है टी यानी ट्रू उसी तरह से नेक्स्ट है अ माउस इज यूज टू क्लिक ड्रैग एंड डबल क्लिक तो क्या माउस का यूज क्लिकिंग के लिए ड्रैगिंग के लिए और डबल क्लिक के लिए किया जाता है येस यानी कि ट्रू टी लिखेंगे उसी तरह से नेक्स्ट है अ माउस इज ए आउटपुट डिवाइस जो माउस है क्या वो एक आउटपुट डिवाइस है तो ये हो जाएगा फॉल्स माउस इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस नहीं है उसी तरह से नेक्स्ट है कंप्यूटर माउस ओनली कम्स इन वन कलर जो कंप्यूटर माउस होता है क्या वो सिर्फ एक ही कलर में आता है क्या ये स्टेटमेंट सही है तो ये गलत स्टेटमेंट है तो यहाँ पे लिखना है एफ यानी कि फॉल्स उसी तरह से नेक्स्ट है यू कैन यूज अ माउस टू टाइप ऑन योर कंप्यूटर हम माउस का यूज टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर कर सकते हैं तो क्या ये स्टेटमेंट सही है नो no, यानी कि फॉल्स तो इस तरह से आप बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड माउस के टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन देते हुए बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं ही इज द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेस द ऑप्शन अंडर द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बच्चों को कुछ ऑप्शन दिए गए हैं नीचे इन सारे ऑप्शन को बच्चों को दिए गए करेक्ट पिक्चर के साथ इन ऑप्शन को प्लेस करना है यानी कि यहाँ पे दो तरह के माउस को ड्रॉ करके दिए दिया गया है एक माउस रियल एनिमल माउस है और दूसरा एक कंप्यूटर माउस है तो एज पर द पिक्चर बच्चों को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली फिट होगा फॉर एग्जाम्पल देखिए पे लिखा है पहला स्टेटमेंट इट लिव्स इन अ होल तो लिव्स इन अ अ अ होल होल दिस 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 माउस 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 और सो लिव्स लिव्स इन इन यानी कि एनिमल होल तो ये स्टेटमेंट बच्चों को यहाँ पे दिए गए जगह पे लिखना है उसी तरह से नेक्स्ट है इट ईट ग्रेन्स यानी कि हु ईट ग्रेन्स दिस माउस सो दिस स्टेटमेंट विल गो हियर उसी तरह से नेक्स्ट है इट रन वेरी फास्ट हु रन वेरी फास्ट दिस माउस सो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ होगा उसी तरह से नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू ड्रॉ विच हेल्प्स टू ड्रॉ दिस माउस और दिस माउस कंप्यूटर माउस हेल्प्स टू ड्रॉ तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ लिखना है उसी तरह से इट इज केप्ट ऑन अ माउस पैड सो कंप्यूटर माउस इज केप्ट ऑन अ माउस पेड तो ये वाला स्टेटमेंट बच्चों को यहाँ लिखना है उसी तरह से नेक्स्ट है इट वर्क ऑन अ क्लिक सो दिस माउस यानी कि कंप्यूटर माउस वर्क ऑन अ क्लिक सो ये वाला स्टेटमेंट यहां लिखना है तो so, इस तरह से भी बच्चों को पिक्चर्स देते हुए बच्चों को डिफरेंशियट किया जाता है क्योंकि दोनों ही माउस है दोनों माउस से ही बोला जाता है लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस है तो इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन दिए जाते हैं पिक्चर्स के थ्रू समझाए जाते हैं तो आप इस तरह से भी बच्चों को वर्कशीट देते हुए बच्चों को आसानी से डिफ्रेंशियट कर सकते हैं कि दो अलग माउस होते हैं दोनों के अलग रोल होते हैं आपके बच्चों के लिए ये कंप्यूटर माउस टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय